पढ़नी चाहिए उतनी ही उठूंगा जी मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का और एनसीएस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। देखें, हम सब लोगों की जो जिंदगी है, लाइफ, सबसे पहले एक ताकत का नाम है और दूसरा ये एक खेल है, एक गेम है और इस खेल के दरमियान पैदा होना और मरना हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इस पैदा होने में और मरने के दरमियान में जो रास्ता है, जो प्रोसेस है, वो जो टाइम है, ये सारी चीजें, ये कैलकुलेशन, ये हमारे कंट्रोल में है। और ये खेल जो कि एक जिंदगी है, ये हमसे बार बार सवालात पूछ दी जाती है। इट आस्क क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, किस चीज के हवाले से, नाकामी के हवाले से, कामयाबी के हवाले से, कुछ नया करने के हवाले से, अपने मुआशरे को तब्दील करने के हवाले से, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, इन सारी चीजों के हवाले से ये हमसे बार बार सवाल पूछ दी जाती है। और इस खेल के अंदर हम वाहिद एक प्लेयर हैं और हमने इस खेल में जो जवाबात हैं वो अपने तरीके से खुद डिलीवर करने पड़ते हैं, खुद उन जवाबात को देना पड़ता है। अब इस खेल के दरमियान हम अपने आप को कैसे बिल्ड करें और वो कैसा काम करें कि हम इन तमाम सवालात के जवाबात को प्रॉपर तरीके से डिलीवर करके अपनी जिंदगी में अपने मुल्क की और अपने मुआशरे के लोगों की खिदमत करें। देखिए, अपनी इस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सीखना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जिंदगी में सबसे पहला काम जो कि हमारी एक जिम्मेदारी है, दैट इज टू सेलेक्ट अ ड्रीम इन आवर लाइफ। इफ़ यू डू नॉट हैव अ विजन इन योर लाइफ, इफ यू डू नॉट हैव ड्रीम इन योर लाइफ और उस मकसद से आपके मुल्क को और आपके मुआशरे को कोई फायदा नहीं है, फिर आपकी जिंदगी का, आपके यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। सो इन ऑर्डर टू मेक योर लाइफ बेहतर लोगों के लिए, बेटर फॉर द अदर्स, फॉर द सोसाइटी, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर कंट्री फेलोमैन, उसके लिए आपने इन चीज़ों को एक्टिव करना और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, दैट सेलेक्ट अ ड्रीम इन योर लाइफ। देखिए, जिंदगी में एक मकसद को सेलेक्ट करना और फिर उसी मकसद को लेकर आगे बढ़ना, एंड स्ट्राइव टू अचीव दोज गोल्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो अपनी जिंदगी में अपने लिए एक मकसद सेलेक्ट करो और फिर उस मकसद तक पहुंचने के लिए मेहनत करो। एंड एट लास्ट मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, दैट नेवर एवर डिपेंड ऑन समवन। कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड ना करना, तम औरतों का पक्तों के वायु। कभी भी ये ना सोचना कि यार मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई आएगा, वो मुझे लेक्चर देगा, वो मुझे इंस्पायर करेगा, तब जाके मैं तब्दील होऊंगा, तब जाके मैं लेक्चर लू, तब जाके मैं जो है इंस्पायर होऊंगा और तब जाके मैं इलम की तरफ आगे बढ़ के मैं कुछ हासिल करूंगा अपनी जिंदगी में। कभी ये ना सोचना, कभी ये ना सोचना कि मैं वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, किसी खास अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा हूँ कि वो आएगी मुझे और मुझे अपने साथ जो है आगे लेकर चली जाएगी। कभी इन चीजों के ऊपर ना सोचना और हमेशा अपने आप को तब्दील करने के बारे में सोचना और जो वसाइल आपके पास है उन वसाइल को इस्तेमाल करने के बारे में जो सोचना। इकबाल यहाँ पे फरमाते हैं कि नहीं मेरी नजर कूसा कूफा बगदाद, करेंगे अहले नजर ताजा बस्ती आबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।